ये आप सबके कारण, आप में से हर महिला हर बच्ची जो यहाँ है उनके कारण आज हम यहाँ हैं। तो सबसे पहले तो आप सब अपने लिए ताली बजाओ। जो दूसरा एक बात ध्यान दी कि भाई इनका दोनों का परिचय नहीं है तो ये बताया था, ये जो आप सबसे दाहिनी ओर बैठी हुई है राजबाला जी हैं और ये बांसुर जो थाना है वो थाने में अभी कार्यरत है और थाना यही संभालती है जब 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी पर होती है। ये उमेश जी हैं, ये पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय जो डिप्टी एसपी ऑफिस है जिसमें मैं सेवाएं दे रहा हूँ अभी कुछ समय के लिए, वो पूरा ऑफिस यही संभालती है। ठीक है, मैं जब से आया हूँ मैं इस बात की कोशिश में लगा हूँ कि और हम व्यवस्था को थोड़ा अच्छा कर पाए, मानसून की व्यवस्था को। आपको हो सकता है अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला हो या सुनने को नहीं मिला हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके साथ मिलकर इस बात को करने की कि अपन मानसून को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बना पाए। उसके लिए हम लोगों ने कुछ सिस्टम शुरू किए हैं, आप लोगों को बाजार में जाओगे तो अंतर मिलेगा देखने को पहले से। तो मैं आपको एक कुछ ऑडियो है वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। वो ऑडियो सुना है नहीं सुना सबने? सबने सुन लिया? नहीं सुना? एक ऑडियो है जो हमने है ना, एक तो ग्रुप पे डाल देते हैं और एक वो माइक दे दो आप एक बार, तो इस ऑडियो को ध्यान से सुनना। ये ऑडियो वो है जो पिछले महीने भर में 1.5 महीने में जो मैंने यहाँ अव्यवस्थाएं देखी उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, वो ऑडियो है वो। तो केवल सबसे पहले इसको सुनेंगे फिर अपन इस पर आगे बात करेंगे। सूचना, पुलिस उप अधीक्षक व्रत मानसूर की ओर से सूचना। जिला ध्यान पे ट्रैक्टर ट्रोली ट्रक पिकअप व अन्य जो भी माल वाहक वाहन है अपने वाहनों के चारों ओर रिफ्लेक्टर अवश्य लगावे। रिफ्लेक्टर क्यों लगाने? पहली सूचना क्या है कि ट्रैक्टर ट्रक पिकअप लोडिंग अपने चारों तरफ रिफ्लेक्टर लगवाएं। क्यों? कोई भी एक आदमी खड़ा होके, और आदमी क्यों बोलेगा? आदमी नहीं बोलेंगे आज, महिला शक्ति बोलेगी आज। कोई भी एक महिला कोई भी बच्ची जो बोलना चाहे रिफ्लेक्टर क्यों लगाने, अपन को 10-15 मिनट बात करनी है तो अपन एक एक विषय पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों। हम कोई भी काम ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ वैसे चल रहा है इसलिए कर रहे हैं। जो मैंने देखा है मानसून में केवल वो बताऊंगा आपको। तो बताओ बताओ भाई बताओ दादा, वैसे बता दो बैठे बैठे। सर रिफ्लेक्टर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो जहाँ पे चल रहा है जितनी, जैसे हम लोग आते हैं तो उसकी चौड़ाई वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो उससे उसके चारों तरफ रिफ्लेक्टर लगा हुआ होगा तो हमें पता रहेगा कि ये साधन है और ये इतनी चौड़ाई है, इसकी इतनी मोटाई है, और वो आराम से जा रहे हैं। तो दूर से देखते हैं जो दो मोटरसाइकिल आ रही है और बीच में ठोक देते हैं, इससे दुर्घटना हो जाती है। हमने खुद ने यहाँ से 500 में से 2 शव उठाए अपने हाथ से केवल इसी चक्कर में पिछले 1.5 महीने। मैंने आपको हर घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें क्या था कि ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे अंधेरे था, दिख नहीं रहा था, एकदम से गाड़ी घुस गई उस ट्रैक्टर में। तो अगर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके घरों पर भी ट्रैक्टर होंगे, ट्रॉली होगी, पिकअप होंगे, तो ये सुरक्षा आप लोगों के लिए भी जरूरी है। समझ में आया आपको? तो ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक जितने भी हैं उन सबके चारों तरफ अपन को लगवाना है। माल से भरे जो वाहन है, जैसे मान लो किसी में रोड़ी भरी हुई है, किसी में बजरी भरी हुई है, किसी में मिट्टी भरी हुई है, तो उसको कपड़े से ढककर चलाना। क्यों चलाना कपड़े से ढककर? क्योंकि सर और कोई बोलेगा और दूसरी दादाजी इसमें देखो 2-3 कारण है। जैसे जब गाड़ियां उस पर स्पीड ब्रेकर पे जाती है अचानक से तो जो माल है वो चलता है वो गिर जाता है साइडों में। कई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ईंट की भरे जो ट्रैक्टर होते हैं वो ईंटें गिर जाती हैं। अब सोचो उस नगे से वो गुजर रहा हो तो उसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? आप सबके घर पे टू व्हीलर होगा, बाइक वाइक होगी। आप सोचो आप बाइक पे जा रहे हो और आगे आपके एक ना बड़ा ट्रक चल रहा है जिसके ऊपर बजरी है, तो वो बजरी उड़कर किस में आएगी? आपकी आंखों में आएगी। अगर उसमें रोड़ी है, रोड़ी नीचे गिर गई, तो टू व्हीलर जो चलाते हैं वो जान जाएंगे कि उस रोड़ी में बाइक फिसल जाती है। तो इसलिए इनके ऊपर कपड़े लगवाना जरूरी है। वाहन तेज गति से ना चलावे, वाहन
पीछे से कोई भी हॉर्न देता रहा, कुछ भी करता रहा, कोई भी आए, इनको कोई फर्क तो इनके स्पीकर सारे भगवान है। यात्री वाहन, मालवाहक वाहन अपने वाहन की छत पर सवारियों को ना बिठाए। ये जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, इन सब में आपके और हमारे बच्चे और हमारे भाई पढ़ते हैं। ये सब क्या करते हैं, जैसे कॉलेजों की छुट्टियां होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, सब जीप की छत पे बैठ जाएंगे, बस की छत पे बैठ जाएंगे और किसी भी दिन एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी दिन, फिर उस दिन हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए देखो, हम यहाँ से हो सकता है कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करें इस बात से जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठी अगर एक भी माँ ने, एक भी बहन ने ऐसा तय कर लिया कि मेरे बेटे को कम से कम मैं ये बात जरूर सिखाऊंगी कि भाई तू छत पे मत बैठ के आना, चाहे एक घंटे लेट आ जाना, चाहे पैदल आ जाना, लेकिन तू छत पे बैठ के मत आना, तो हमारा आज का कार्यक्रम ही सफल हो जाएगा। अगर आप लोगों में से एक ने भी ये तय किया कि नहीं मेरे बच्चे के साथ तो मैं सुधार कर दूंगी, कम से कम उसको समझाओ उसको ये बात कि मैं ये तेरे लिए क्यों जरूरी है सारी चीजें। चार 19 से 22 साल की उम्र के लड़के जिनके शव मैंने इसलिए उठाए हैं पिछले 1.5 महीनों में क्योंकि उन बच्चों ने हेलमेट नहीं लगाया। आप लोग मेरे हाथ जोड़कर विनती है इस चीज का, हेलमेट जरूर लगाते हैं, हेलमेट को भी लगवाना, तो कैसे लगवाना है, डस बंधवानी, ये नहीं कि हेलमेट लगा दिया बस, क्योंकि जैसे गिरेगा ना तो वो हेलमेट हट जाएगा, तो उस हेलमेट की डस लगवानी। आप लोग भी हेलमेट लगाकर, अगर जो भी टू व्हीलर पे जा रहा है वो आप मान के चलना कि अपन लोगों को हेलमेट लगाना है। आपका क्या नाम है? पिंकी जी। पिंकी जी, ये जो सर है ये लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, काहे का बना हुआ है? बना हुआ है कि किसी का सर लोहे का, स्टील का? आप लोगों में बताओ, ये अगर गिरेगा, चोट लगेगी तो जिंदगी भर की परेशानी हो जाएगी, नहीं तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको अपने पतियों से, अपने भाई से, अपने बेटों से, अपनी बच्चियों से प्रेम है तो मेरा निवेदन स्वीकार करके हेलमेट शुरू कर दो। हेलमेट मेरे डर के कारण मत लगाओ, आप इस खाकी के डर के कारण मत लगाओ। हमें नहीं चाहिए किसी का भी चालान काटना, हम क्यों कर रहे हैं केवल ये काम जिससे आप लोगों की सुरक्षा हो पाए। अब आप सोचो, आपकी सुरक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं वहां कि भाई आप हेलमेट लगा के जाओ, और आप लोग खुद घर से बाहर मत निकलो हेलमेट लगा, तो आप लोग प्लीज और प्लीज हेलमेट जरूर लगा के निकलना है। और हेलमेट ये नहीं, लोकल हेलमेट नहीं खरीदना, अपने एक बार 1000-1500 रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन अच्छा हेलमेट लेके आना है, सर से ज्यादा जरूरी चीज थोड़ी है कोई, ये बताओ आप। आपके परिवार में आपके बच्चों से ज्यादा जरूरी है क्या कुछ आपके लिए? आपके पति से ज्यादा जरूरी है क्या कुछ आपके लिए? आप देखना जाके, आप लोग होंगे ना हेलमेट लगा लो तो हंसेंगे आपने कि हेलमेट क्या करेंगे, हेलमेट लगा के। लेकिन एक दिन केवल 24 घंटे आप हमारे साथ खड़े हो जाओ आके सड़क पे, आपको बता देंगे कि हेलमेट क्यों जरूरी है। अधिकांश तो जितने भी ये जो सड़क आज से हो रहे हैं, लगभग 8 से 10 ऐसी डेड बॉडीज हैं जो मैंने पिछले 2 महीने में देखी है, उनमें अधिकांश थे जो मुझे कारण नजर आया वो यही था कि ये हेलमेट लगा के नहीं आए। आप लोगों को मेरी बात, मैं नहीं चाहता किसी दुर्घटना के बाद ध्यान आए, ये बात आप पहले ही समझ लो। आप उसका फोटो भी नहीं देख सकते, उसका वीडियो भी नहीं देख सकते, ये सुनील जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूछो आप, फोटो भी नहीं है, रोज ये भी हमारे साथ पहुँचते हैं, ये क्राइम रिपोर्टर है तो ये पहुँचते हैं फोटो खींचने वीडियो लेने। माँ बाप देख नहीं पाते अपने बच्चों का शव, जब हम सूचना देते हैं तो वो ऐसे कांप जाते हैं बिल्कुल बुरी तरह। उस समय तो ध्यान नहीं आता कि बेटा घर से 18 साल का, 17 साल का, 16 साल का, 20 साल का जब बाइक लेके निकल रहा है तो माँ बड़ी खुश होती है, हाँ देखो मेरा बेटा, देखो कितना अच्छा जा रहा है। आप लोग मेरी बात समझो, आप हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे, तो हमारे को काम करना ही पड़ेगा। आप समझाओगे डांटोगे तब होगी ये चीज कि तू जाया हेलमेट लगा के जाए, हेलमेट खरीदो, अच्छा हेलमेट खरीदो बढ़िया तरीके से। सफेद पट्टी के अंदर ही वाहन खड़ा करें,
क्यों दिखा? क्योंकि आप सब ने हमें सहयोग किया, आप सबको हमने समझाया कि ये ट्रैफिक देखो हमारी गाड़ी तो जाएगी चाहे कितना ट्रैफिक हो, जाएगी नहीं जाएगी, हमारी हमारी काबिलियत हमारी मेहनत इस चीज़ में है कि जब पिंकी देवी अकेली सड़क पर निकले, राधा देवी अकेली सड़क पर निकले, जो भी आपने अकेले सड़क पर निकले वो इस बात के लिए तैयार है कि हाँ हम भी जाएंगे तो हमें भी उतना ही रास्ता मिलेगा, हमारी गाड़ी भी उतनी आसानी से जा पाएगी, हम भी भीड़ भाड़ में नहीं रहेंगे। दंगाल चौक से वन वे क्यों कराया? आप लोगों के लिए कराया जिससे वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होनी। तो पहले दंगाल चौक में जिस दिन मैं आया उससे 10-15 दिन तक जब हमने व्यवस्था शुरू नहीं की थी तो हम जा ही नहीं सकते थे दंगाल चौक। आज आप जाओ किसी भी समय जाओ, किसी भी समय जाओ आप, आपकी गाड़ी आराम से दंगाल चौक से अंदर इसमें शर्मा मेडिकल से अंदर जाएगी, दंगाल चौक से होते निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको बंद कराया और ये इसलिए केवल आप लोगों के लिए बंद करवाया इसको। सूचना सूचना पुलिस उप अधीक्षक व्रत मानसू की ओर से जरूरी सूचना। जनयात्री आप सभी से निवेदन किया जा रहा है कृपया अपनी दुकान प्रतिष्ठान के बाहर रोड पर सामान न रखें। कुछ दुकानें ऐसी थी जो अपनी दुकान के बाहर आधी रोड तक सामान रखती थी, रखते थे या नहीं रखते थे, उनको सबको उठा के बंद किया, जो सबको बंद किया अब उनकी चप्पल भी सड़क के बाहर नहीं आती, ठीक है। तो कुछ अपन को भी निभाना पड़ेगा। आप अपने पति के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, बेटे के जाओ तो साइड में खड़ी कर गाड़ी, आप डांटो उनको, आप 2 बार 5 बार 10 बार डांटोगे तो अपने आप उनको समझ में आ जाएगी कि नहीं यार नहीं लगाना चाहिए, मम्मी सही कहती है। और जितना परिवर्तन आप ला सकते हो अपने घर में ना उतना परिवर्तन पुलिस नहीं ला सकती। आपको समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को बैठा के, कभी शाम सुबह खाना खा रहे हो जब समझाओ। जितने भी बच्चे पकड़े ना किले पे और ये जो जितने भी सब जगहों पर वो सब आपकी और हमारी है। कोई ऐसा नहीं है कोई दिल्ली का हो कोई जयपुर का हो, वो सब अपने मानसून के लोग हैं, तो उनको समझाना अपनी जिम्मेदारी है। दूसरा क्या है, जिस भी घर में डीजे बजता है
उसके आधा किलोमीटर तक के बच्चे नहीं सो पाते। कोई बूढ़े बुजुर्ग हो जिनके कोई हार्ट की बीमारी हो, उनको बेचारों को दिक्कत रहती है। किसी की परीक्षा हो गलती से तो पढ़ नहीं पाता। आपको अपना जो भी इंजॉयमेंट करना है, जो भी करना है, वो 10 बजे तक करना है। आप लोग खुद अपने घर पे समझा देना, कहीं आपके कार्यक्रम में पता लगा आप लोगों को उठा के बंद करना पड़ा कि भाई डीजे बजाने के लिए, ठीक है ना। डीजे वास्तव में 10 बजे से ज्यादा नहीं बजा सकते, ठीक है। तो आप लोगों का किसी कार्यक्रम होगा डीजे, उससे 10 से ज्यादा थोड़ी बजेगा, नहीं बजेगा ना। कहीं पता लगा डीजे वालों को आप ढोकरों बैठ गए कि बजा क्यों नहीं बजा रहा, पैसे क्यों नहीं लिया तुमने। हाँ बिल्कुल, आप 6 बजे शुरू कर दो, 5 बजे शुरू कर दो शाम को, पूरे 5 घंटे आप बजाओ, लेकिन 10 बजे तक आप एक बार डीजे बस 10 बजे करो। गेस्ट हाउस होटल जो अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर ये जो गेस्ट हाउस चलते हैं देख रहे हो, इनको बंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। इनमें जो भी बच्चे बच्चे आते हैं रोज, वो अपने 500 के ही सर बिल्कुल सारे लिए ये दोनों झाड़ती है, जैसे हाथ जोड़ते फिरती है, क्या क्या बोलती है बताओ, क्या क्या बोलती है। मम्मी मर जाएगी पता लग गया तो, पापा मेरे मेरे को बासी चढ़ा देंगे, मार देंगे बिल्कुल, मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे अगर उनको पता लग गया मैं इस लड़की के साथ गेस्ट हाउस में आई हूँ। भाई वो जिम्मेदारी किसकी है, हमारे बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर हमारे बच्चे हमारे बिना कहीं कहीं जा रहे हैं तो ये फेलियर बच्चे का नहीं है, ये फेलियर मेरा है। अगर मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो मैं फेल हो रहा हूँ, आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप फेल हो रहे हैं। बच्चे को दोष मत दीजिए इस बात का, मेरी नजरों में दोषी वो सब लोग हैं, वो माँ बाप दोषी, वो टीचर दोषी, वो समाज दोषी है, और हम सब दोषी उस चीज के लिए अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं। बच्चों को क्या समझ होती है 16-17 साल के, जब आप ही बताओ नहीं होती ना, हमारे को समझाना पड़ेगा। तो ये गेस्ट हाउस तो बंद करने शुरू कर दिए, आने वाले 2-3 दिन में जो भी एक आध और बच्चे उन सबको बंद कर देंगे, जिससे बच्चों पर और जो भी गलत असर, जो भी पढ़ने जो भी बात होगी गेस्ट हाउस की, कह दिया उनको हमने गेस्ट हाउस को साफ साफ कि आपके पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है, तो जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक आपके गेस्ट हाउस नहीं चलेंगे, और बंद करने शुरू कर दिए, आप तक सूचनाएं आ जाएगी। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये अपन ने देखा है कि भाई शराब का जो ठेका चल रहा है उसमें वो वहीं बैठा के पिलाता रहता है, बगल में दुकान खोल रखी है उसमें पिलाता रहता है, पीछे एक मैदान सा बना रखा है उसमें पिलाता रहता है। तो ये मेरी तरफ से तो बंद कर दिया है, मेरी तरफ से बंद करने का मतलब ये है कि मुझे कहीं भी पता लग जाता है रास्ते कहीं भी, तो मैं रुकता हूँ उस जगह पर, उस दुकान को बंद कराता हूँ, और उसके मालिक को इस बात के लिए पाबंद भी करता हूँ कि भाई तो भविष्य में अगर मेरे को ऐसा मिल गया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। उसके अलावा जो मैं करता हूँ मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा अवैध, देखो सरकार ने जो ठेका प्रणाली चला रखी है वो सरकार की, हमारी जिम्मेदारी इतनी सी है कोई अवैध ठेका नहीं चल रहा, कोई ऐसी जगह नहीं चल रही हो जो सरकारी उसमें है नहीं। तो आप लोग हमें सूचनाएं दें, आपके पास हमारा नंबर हमारे ग्रुप के माध्यम से आ जाएगा जो भी है, बाकी गोकुल जी के पास मेरा नंबर है, आप हमें सूचनाएं दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं मानसूर में हूँ तब तक एक भी ऐसी चीज नहीं चलने दूंगा जिसकी मुझे सूचना नहीं। लेकिन वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आज तक आप लोगों ने हमारे किसी ने कोई सूचना नहीं, वो तो हम ही कुछ जा जाके सबको कर रहे हैं कि करेंगे नहीं तो ये नहीं करेगा भाई, तू ये नहीं करेगा। क्या आपके गाँव में कोई ऐसा नहीं चलता, चलता है पक्का चलता होगा, गांव में नहीं चलता होगा डाड़ी में चलता होगा, डाड़ी में नहीं चलता होगा खेत में चलता होगा, किसी पक्का चलता होगा। अब आपको भी डर लगता है कि ये उठा के आएंगे हमारे परिवार वालों को भी ले जाएंगे फिर, कि वो भी वहाँ पी रहे बैठ बाट के भाई, क्यों किसी का जेठ बंद होगा, किसी का पति बंद होगा, किसी का भाई बंद होगा, किसी का ससुर बंद होगा। एक बार बंद हो जाए, एक बार जो हमारे पास आ गया 24 घंटे हमारे साथ रह गया, उसका शुद्धिकरण हम कर दें। वो शुद्धिकरण की हमारी प्रक्रिया है, वो भी आपको नहीं बताएंगे कि हम क्या करते हैं, हम भी नहीं बता रहे आपको। गतिविधियों की सूचना पुलिस को अवश्य दें, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बागसूर पुलिस जनता के लिए सदैव तत्पर है, क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं की सूचना बागसूर पुलिस को दें ताकि अपने शहर को अपराध
सबके बात सुन रहे हैं, गाँव में लोगों के पास कट्टे और पिस्टल है, खूब है लोगों के पास हथियार है। आप लोगों को केवल और केवल हमें सूचना देनी है, हम आपका नाम कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं आपका नाम पता लगेगा किसी जगह पे कि सूचना किसने दी, लेकिन बताना किसको पड़ेगा, आपको। इसलिए बताना पड़ेगा, कल ना को उस आदमी की लड़ाई आपके परिवार वाले से हो गई किसी से और उसने कट्टे से गोली चला दी, तो एक आदमी चला दे, उससे बेहतर क्या है कि वो हमारे पास आ जाए। समझ गए आप इस बात को? अभी तो हम खुश होते हैं, आप देखो जितने भी लड़के हैं यहाँ के, उन सब ने अपने हथियारों के साथ ही फोटो लगा रखी है, आप देख लो फेसबुक सब की फोटो, और खुश हो रहे हैं लगाने में। जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ अपने फोटो लगाते हैं, जो गुंडे हैं उनके साथ उनकी फोटो खिंचाने में उनको अच्छा लगता है कि ये गुंडे हैं, और फिर उन गुंडों का हम क्या हाल करते हैं थाने में, उनका वीडियो हम बनाते हैं बाद तो उनका फिर हम आपको बता नहीं सकते, फिर हम उसके उनके साथ जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि हमारे जो आदर्श हैं वो ये लोग नहीं है, गुंडे हमारे आदर्श आप जैसी महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर निकली हैं, मेहनत की है और आगे बढ़ी है। समझ रहे हो आप लोग? तो कोई भी हथियारों की कोई सूचना मिलती है, कोई किसी को हथियार पता लग जाए कि यार उसके पास हथियार है, तो आप हमें सूचित कीजिए, बाकी हम अपना काम करेंगे। सुरक्षा सखी का सर्टिफिकेट ले लिया पिंकी जी ने, बस ये हो गई सुरक्षा सखी। सुरक्षा सखी के नाते से आपने क्या काम किया ये बताओ। चलो एक एक जना बताओ कि सुरक्षा सखी के नाते से क्या काम किया। सर आप जोड़ना चाहते हैं लेकिन मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? नहीं आ सकती मैं, फोन पे तो बात कर सकती। तो बुजुर्ग भी रहते घर पे, मतलब ससुर है घर, तो वो नहीं आने देते? नहीं आने देते? क्या बोलते थाने नहीं जाना? और अगर हम ससुर साहब को ले आए तो आप सोचो, एक दिन ससुर साहब को ले आते हैं आप उनको छुड़ा ले आना, तो फिर कहेंगे अच्छा ठीक है इसकी तो चलती है थाने में, फिर आराम से बताओ। देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग हमें क्या क्या सूचनाएं दे सकते हो, मैं आपको आप हमें दे सकते हो कि सर हमारे गाँव में ये स्कूल है, इस स्कूल की जब भी छुट्टी होती है तो आवारा छोरे 12 से 1 बजे तक या 1 से 2 बजे तक घूमते रहते हैं, जो बच्चों को आने जाने में परेशान करते हैं, कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। आप खुद के लिए इतना सही बताना है, बाकी वो सब मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा आप हमें ये बता सकते हो जैसे कि सर हमारे गाँव में अवैध ठेका चल रहा है और इसके चक्कर में है ना, देखो शराब का नुकसान ही नुकसान है हर जगह, पहला नुकसान तो पैसे का नुकसान, दूसरा नुकसान शरीर का नुकसान, तीसरा नुकसान परिवार का नुकसान, ठीक है, और चौथा नुकसान को अपराध कर देंगे तो फिर समाज का नुकसान। एक फायदा बता दो मेरे को, कोई फायदा नहीं है ना, तो फिर आप लोगों ने कभी सूचना दी हमें इस बात की? शाम को कहीं ऐसी जगह हो जहाँ लोग मान लो बैठे रहते हो, बस 2 मिनट और बात करूंगा ज्यादा नहीं है, मेरा विषय खत्म होने वाला है। जहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको लगता है शाम को 8-10 लोग बैठे हुए हैं और इधर उधर रहते हैं शाम को, जहाँ से हम लोगों को जाने आने में दिक्कत होती है, हम अपने परिवार के साथ जाए तो दिक्कत होती है, हमारी बच्ची स्कूल से आती है तो दिक्कत होती है, कॉलेज जाने आने में दिक्कत होती है, तो आप बताओ बिल्कुल इनको सबको बंद करेंगे, पक्की बात है। आप लोगों ने कभी ये सूचना थी कि साहब हमारे गांव के बगल में या हमारे घर के बगल में एक महिला है जिसका पति रोज उसको पीटता है? बस सूचना कहते हैं वो महिला ही गुजर जाएगी, नहीं पीटता मुझे तो, वो महिला ही कहते कि मुझे तो नहीं पीटता, झूठ बोल रहा है। वैसे है ना महिला, वैसे ये बात तो सही है, जो है ना अपन मान लो जाए और मना कर दे, वो मना कर दे मारो कसम, तैयार करना पड़ेगा कि भाई देख एक दिन के लिए नहीं, मेरे को पता है ऐसा नहीं है कि अपन है ना स्वर्ग में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है,
आज भी घर में महिलाओं के साथ मारपीट होती है, मारपीट के बाद उनके साथ उल्टा सीधा बोला जाता है, अपन को थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है बस। सर वो गुस्से में तो हाँ भर देती है, फिर बाद में बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, जब गुस्से में हाँ भर दे तभी ले आएंगे, एक बार में ले आएंगे, जो कम से कम कुछ तो इलाज हो भाई। अब देखो समस्या दूर करनी है तो कुछ तो समय करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ऐसी कोई भी सूचना जो आपको लगती है ना, जो आपको पुलिस को देनी चाहिए, तो आप लोगों को सबको एक ग्रुप में जोड़ा हुआ है महिला, उसमें हम अपना नंबर भी शेयर कर देंगे। और ये एक राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा हेल्पलाइन चालू हुई है, इसका नंबर क्या है, 112। क्या नंबर है इसका, क्या नंबर है इसका, 112। क्या नंबर है इसका, 112। ये इसका नंबर है। तो मैं आप सबसे इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे डीजीपी सखियां हैं वो सुरक्षा में भी योगदान। चलो आप मुझे बताओ, आपका है ना, ये तो आपका आर्थिक फायदा हो गया, ठीक है, आप हो रहे हो, आप समाज को भी तो इस चीज का सुरक्षा की दृष्टि से भी तो लाभ दो। गांव की महिला अभी भी डरती है पुलिस थाने आने में, क्यों डरती है, आप बोलो मैं चलती तेरे साथ, चल कोई बात होती तो अपन बात करके आते, आप फोन करो राज्यपाल जी को, किसी को भी फोन करो, उसमें हमारे सबके नंबर रहेंगे, जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप रहेगा, आप हमें बताना कि सर ये समस्या है, इसको दूर कर दो, पक्का समय मिलते हैं इसको दूर किया जाए। इसके अलावा आप में से कभी किसी ने, जैसे आपने उस दिन को एक्सीडेंट की सूचना दी थी किसी को, तो वो आप एक कागज पर नोट करवा देना क्या सूचना थी कैसे थी। इसके अलावा जब आपको लगता है रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत 100 नंबर पर मिलाया, तुरंत थाने पर मिलाया कि साहब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भेज दो जल्दी से। नहीं ये भी नहीं हो रहा साहब, हमारे गांव में ना लोग इकट्ठे हो रहे हैं हथियार ले लेके, मतलब डंडे ले लेके किसी को मारने के लिए, आप आ जाओ हमारे बगल में, परिवार वालों में लड़ाई होती जा रही है, बहुत जबरदस्त और ये खून खराब होने वाला है, आप गाड़ी भेज दो। इन सूचनाओं में आपका क्या जाएगा, एक फोन ही तो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सोचो आपके फोन के कारण अगर किसी की जिंदगी बच गई, तो किसी का परिवार बच गया, किसी का समाज बच गया, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी संतुष्टि का स्तर आज सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों की सुरक्षा के लिए दे पा रहा हूँ, लोगों को इस बात का महसूस कर पा रहा हूँ कि हाँ आपके आप लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप लोगों को कितने पैसे दे दो लेकिन आप एक बार उनके आंसू पहुँचना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर, पैसों से आंसू नहीं पहुँचे जा सकते कभी। आपको लोगों के कष्ट दूर करने के लिए हम जोड़ रहे हैं इससे, सुरक्षा सखी का मतलब क्या है कि लोगों के कष्ट दूर। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सुरक्षा सखी ये महिलाएं क्यों बने, कॉलेज के बच्चे भी नहीं बन सकते बताओ आप मुझे, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ने वाली सुरक्षा सखी क्यों नहीं बन सकती भाई? वो कंप्यूटर भी जानती है, वो मोबाइल भी चलाना जानती है, वो घर के बाहर आ भी जा सकती है, उसको बदलने को अपन एक्टिवा भी सिखाएंगे, टू व्हीलर भी सिखाएंगे, बैठा के चला भी सकती नहीं सकती। तो अब की बार अपन जो सुरक्षा सखियाँ जोड़ेंगे उनमें आधी कॉलेज वाले बच्चे होंगे जी, ठीक है ना भाई, अपन को सबको साथ लेके चलना है। आप सोचो नई बच्चे आपके साथ जुड़ेगी तो आपको भी नया ओपिनियन मिलेगा, नई सोच मिलेगी, निश्चित रूप से आप अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा एडवांस हो या नहीं हो, तो अपनी जो बच्चियां हैं वो आपसे ज्यादा एडवांस है, तो उनको भी अपन को जोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आप सब आप इनको भी सुरक्षा सखियों में जोड़ना है अपन को, चलो बिल्कुल अपन अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सबको उसमें जोड़ेंगे। इसके अलावा थाने पर सीएम साहब ने एक नई व्यवस्था शुरू करवाई है, मैं आपको बताया था, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक व्यवस्था शुरू करवाई है, स्वागत कक्ष। कौन सी व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? स्वागत कक्ष। क्या है स्वागत कक्ष? थाने में घुसते ही दाहिनी तरफ या बाईं ओर या सामने थाने की बिल्डिंग से अलग या उससे दूर एक ऐसा कक्ष है जो रिसेप्शन की तरह, किसकी तरह, वहां आप जाओ आराम से बैठो, वहां आपको जो मिलेगा आपको उसको अपनी समस्या बतानी है, अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है कि साहब मैं समस्या में हूँ, आपको वहां बैठाएंगे थोड़ी देर, फिर जो भी आपको परेशान नहीं होना थाने के लिए कि वहां ढूंढ रहे हो, चक्कर काट रहे हो, कौन आ रहा है, वो जो स्वागत कक्ष में बैठा अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी है इस बात से कि भाई वो आपको है ना उस अधिकारी को बुलाएगा कि भैया ये अपना चरित्र सत्यापन करवाने के लिए आए हैं, ये FIR लिखवाने के लिए आए हैं, इसको लिखवाओ। आपका काम करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। स्वागत कक्ष काम करेगा और राजस्थान के हर जिले के हर थाने में स्वागत कक्ष बन चुका है, ठीक है। राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आपको और हमारे को सबको साथ देना है। मैं आपको खुलकर बोलता हूँ इस चीज के लिए, अगर आप बांसुर थाने आओ, वारसौरा थाने आओ और स्वागत कक्ष आपको नहीं मिलता या स्वागत कक्ष में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप इस नंबर पे एक एक दो नंबर पे सूचित कर देना कि
कि साहब हम स्वागत कक्ष गए थे और पुलिस थाने मानसूर के डिप्टी साहब मिले थे, उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात की, उन्होंने हमसे ढंग से बात नहीं की, हमारे को भगा दिया कि बगजत तो रोज ही आती रहती है। समझ गए आप? तो हमारी शिकायतें सुनने के लिए भी अब विभाग है, हमारी शिकायतें सुनने के लिए भी आपके पास फोन है। ये नहीं कि मैंने भगा दिया, इन्होंने भगा दिया, उन्होंने भगा दिया, तो आप अपने डर के घर में बैठ गए। नहीं, उस नंबर पर फोन करो, सब इनकी सुनवाई नहीं की। समझ गए आप? देखो, जैसे बिजली विभाग है, जैसे पानी विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वैसी पुलिस भी एक विभाग। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या देख रहे हैं, आप बीमार होके जाओगे दवाई दे देंगे, आपकी दूसरी बीमारी, ये जो बदमाशियां हैं इधर उधर की, इनकी बीमारी कौन ठीक करेगा? तो हम लोग भी वो सेवाएं देने के लिए, इसीलिए स्वागत कक्ष का कॉन्सेप्ट है। मैं सुरक्षा सचिव से इस बात की अपील करूंगा, जो भी अब बन रही है, अपने हर गांव में एक एक जो आप वो कर रहे हो ना डीजीपी सखी, उसको बोलना है और बच्चियों को भी जोड़ना है इस चीज से कि भाई सुरक्षा सखी बनो, उसका फायदा फाइनली आपके गांव को मिलेगा। पक्की बात है मेरी इस चीज की। आप देखो, अगर 148 सुरक्षा सखी अपनी एक साथ हो गई तो कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। हम लोग कितने जने, 3 जने हमारी। नमस्कार चेयरमैन साहब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।